बाद में रिफर करने को काम आएगा। फ्रेंड्स, हमारे सबको कुछ ना कुछ ड्रीम रहता है, एक सपना रहता है, कुछ हमको अचीव करना रहता है। ये बहुत जरूरी है जीवन में। रोज सुबह को उठ के हम काम पे जाते हैं, जो भी काम हो, तो क्यों जाते हैं? वो ड्रीम अचीव करने के लिए जाते हैं, है ना? तो आपको पहला ये एक्सरसाइज करनी चाहिए कि मेरा स्वप्न क्या है, क्या मैं हासिल करना चाहता हूं, ये क्यों कर रहा हूं। ये लक्ष्य अगर सामने है तो काम इज अ मींस, डोंट मिक्स अप एंड एंड मींस। एंड इज योर ड्रीम, दैट इज व्हाट यू वांट टू अचीव, ये पाना चाहता हूं और इसलिए मैं काम कर रहा हूं, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। तो पहला मेरा एक सुझाव है कि आप अपने ड्रीम को हमेशा सामने रखिए। जो भी आप चाहते हो, ड्रीम कई तरह के हो सकते हैं। सोशल, कि मेरे कुटुंब में या मेरे कम्युनिटी में मेरा कुछ स्थान हो। ड्रीम कैन बी एनीथिंग, बट यू मस्ट हैव अ ड्रीम एंड यू अचीव दैट ड्रीम। व्हाट वी कॉल इज गोल, टारगेट। एक तो हमारा निराली प्रकाशन में कुछ टारगेट होगा कि भाई इतना कलेक्शन करना है, इतना बुक्स बेचना है या जो भी है। लेकिन इन जनरल वी कैन हैव सो मेनी गोल्स। मेरे को बहुत पैसे कमाना है, दैट कैन बी अ गोल। लेकिन ये थोड़ा वेग है, इसको और थोड़ा हमको फोकस करना है। बहुत पैसे मतलब क्या, ये डिटेल अगर आप डालोगे ड्रीम में तो अपने को वो ड्रीम अचीव करना होगा। मैं बहुत सुखी बनना चाहता हूं, मेरे पास बहुत बड़ी कार हो, ये इनफ नहीं है। बहुत बड़ी कार मतलब कौन सी, ये आप अपने ड्रीम में आप प्रोजेक्ट करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन से आप बोलो ये ऐसी कार होनी चाहिए। आपके मन में होगी मारुति अल्टो होनी चाहिए, ब्लू कलर की होनी चाहिए, मेरे फैमिली में फ्रेंड्स को लेके जाता हूं। अगर ये ड्रीम आपके अवचेतन मन में गया तो वो जरूर आपको वो ड्रीम दिलाएगा। एक मैं शेयर करना चाहता हूं, मैडम हैज रिटन हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ। तो मेरा एक ड्रीम था, मैं कंप्यूटर लाइन में हूं 1975 से, 37 इयर्स मैं आईटी में हूं। तो एक मेरा ड्रीम था शुरुआत में, जब ये मैं यंग इंजीनियर था आईबीएम में, मेरे को बिल गेट्स को मिलना है। लोग हंसते थे, फ्रेंड्स फैमिली, क्या बिल गेट्स को मिलना है, धीरूभाई अंबानी और सब लोग लाइन में खड़े रहते हैं, नंबर कैसे। फ्रेंड्स, ये मेरा बहुत एक अंदर से बहुत ख्वाहिश थी, क्योंकि आईटी में मैं गुरु मानता हूं। बिल गेट, इतना बड़ा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, 3 साल मैंने माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम किया। वो लोग खुश हुए, मेरे को फोन आया कंट्री मैनेजर का, जवेरी आपके लिए कुछ गुड न्यूज है। मैंने सोचा कुछ पैसा वैसे देगा, नहीं, आई वॉन्ट यू टू मीट बिल गेट्स। जब बिल गेट पहली बार इंडिया में आया, मुंबई में 23 पीपल वर इनवाइटेड, हम लोग पर्सनली मिले। पॉइंट इज यू कैन अचीव, आप कर सकते हो अगर चाहो तो। प्रॉब्लम इज हमने हमारे को ही नहीं बताया कि हम क्या चाहते हैं। रूटीन में चल रहे हैं, लक्ष्य क्या है वो तो पहले लिखो। मेजरेबल गोल, मेजर कर सकते हो, टाइम बाउंड गोल, कि भाई बाय 2015 में यहां पहुंचना चाहता हूं, वो सामने लिखो। ये बहुत बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। और फ्रेंड्स, आप करो, आपके चिल्ड्रन स्टूडेंट्स कैन डू इट। विद्यार्थी के लिए कल एग्जाम है, आप पूरा अपना चित्र बनाओ। मेरे को 97% बरोबर उतना परसेंट आता है। ये शक्ति हमारे में है, लेकिन उसको हमको बताना पड़ेगा।
प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू स्ट्रेस टूडे इज कम्युनिकेशन. फ्रेंड्स टूडे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन. वी कैन प्रिवेंट दिस इश्यूज अगर हमने कम्युनिकेट करना सीख लिया तो काफी प्रॉब्लम ऐसे ही प्रिवेंट हो जाएंगे, मतलब आएंगे ही नहीं और सोल्व भी हो जाएंगे. ये आप प्लीज नोट करो. कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? कम्युनिकेट माने क्या? संवाद करना, डायलॉग करना अपने बॉस से, सबोर्डिनेट से, कस्टमर से, किसी के साथ में. कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेट? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? कम्युनिकेट कैसे करते हैं? बाय मोबाइल. मोबाइल एक. बाय ईमेल. ईमेल. बाय लेटर. ये सभी तरीका है. लेकिन मैं चाहता हूं जैसे हम शूज और सॉक्स पहनते हैं ना, इट्स अ पेयर. ईमेल किया ना तो मोबाइल भी करने का, मोबाइल किया ना तो ईमेल भी करने का, दोनों करना. ओवर कम्युनिकेशन इज अलाउड, अंडर कम्युनिकेशन इज नॉट अलाउड. कुछ ज्यादा दो बार बोला ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. प्रॉब्लम होता है मैंने तो ईमेल कर दिया था, फॉर सम रीजन दैट पर्सन हैज नॉट सीन द ईमेल, उसने ईमेल नहीं देखा अपना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना. हम तो निश्चिंत बैठे, मैंने तो बता दिया था, आप फोन करके बोल दो मैंने ईमेल किया था, आप जरा देख लो, बात खत्म. एसएमएस कर दो. कई कई तरफ ऐसा भी होता है कि हमने फोन किया, साहब एंगेज में है या कोई दूसरे के साथ बात कर रहे हैं या फोन आउट ऑफ रीच होता है, ऐसा हो सकता है, तो एसएमएस कर सकते हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, ये मैं बताना चाहता हूँ, आप फ्री हो तो फोन करो. लेकिन ये जरूर करो, हमारा काफी काम आसान हो जाएगा कम्युनिकेशन से, है ना. हम सुबह को उठते हैं, काफी सारे टास्क लेके उठते हैं. कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ मिस्टेक्स भी होती है. लेकिन आपने शायद सिक्स सिग्मा का सुना होगा. What is Six Sigma? Basically, जो process करनी होती है, जी. तो starting कहाँ से करते हैं और end कहाँ तक करना है, जी. उसको Six Sigma बोलते हैं. मतलब जो जो process के लिए जो चीजें चाहिए, जी. वो आगे से decide करके फिर. Okay. Anybody else? और कोई? सबने जैसे बताया. एग्जाम्पल के लिए चाय बनानी हो जी. तो उसके लिए शक्कर चाहिए जी. चाय पत्ती चाहिए, ये सभी चाहिए. तो सिक्स सिग्मा जो है ये एक एरर का मेजरमेंट है. जैसे मानो कोई भी काम करते हैं तो कितनी मिस्टेक होती है वो हम काउंट करेंगे, ठीक है. समझो वो काम हमने 10 लाख बार किया, 1 मिलियन इज 10 लाख. 3.4 errors are allowed. 3.4 गलती कर सकते हो 10 लाख काम करने में, वो सिक्स सिग्मा बोला जाता है. ऑल फॉर्च्यून 500 कंपनीज, जापानीज कंपनीज, टोयोटा कार, होंडा कार, कितनी बड़ी कंपनी है, ये सब सिक्स सिग्मा है. जनरल इलेक्ट्रिक, मतलब 10 लाख में 3.4 मिस्टेक्स ओनली. व्हाट इज द सक्सेस रेट यू कैन इमेजिन? व्हाट इज द करेक्टनेस ऑफ देयर प्रोसेस? अब कुछ भी काम, आपने चाय का उदाहरण लिया, कोई भी काम ले लो, 10 लाख बार चाय बनाएंगे तो 3 बार ही मिस्टेक होगी. ये सिक्स सिग्मा कहलाया जाता है. और जो कंपनी अगर अचीव कर दे, प्रूव कर दे कि मेरा ये 3.4 ही मिस्टेक होती है 10 लाख में, तो उसको सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन मिलता है. डू यू नो एनी कंपनी आपने सुना है? आपको ताज्जुब होगा कि ये
डब्बा वाला, मुंबई का डब्बा वाला सिक्स सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको शायद आपने देखा होगा डब्बा वाला, मुंबई का लोकल में, विरार में बोलेगा 10 बजे के बाद 10 मिनट 10 मिनट्स आफ्टर 10 मैं डब्बा लेने आऊंगा, हाउसवाइफ डब्बा टिफिन दरवाजे पे तैयार रखेगी, 2 मिनट ठहरो कुछ नहीं क्योंकि उसको आगे जाना होता है, वहां से वो डब्बा लेके हैव यू सीन देम रनिंग लोकल ट्रेन में जाएगा, वहां से फिर दादर उतरेगा, वहां पर और डब्बा वाला होता है, ये तुम्हारा डब्बा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, फिर वापस, फिर भाईखला, वन डब्बा चेंजेस सिक्स हैंड्स, छह डब्बा वाला के थ्रू थ्रू करके वो नरीमान पॉइंट में एयर इंडिया बिल्डिंग में 10वें फ्लोर पे बराबर लंच टाइम में जाएगा, क्योंकि ऑफिसर को घर का खाना चाहिए। फ्रेंड्स 100 साल हो गया, 100 साल 100 ईयर्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज सिक्स सिग्मा, 10 लाख 3.4 एरर्स भी नहीं है उनकी। प्रिंस चार्ल्स जब देखा डब्बा वाला बोले क्या हो रहा है, ताजुब हो गया, डब्बा वाला कोई कंप्यूटर नहीं, कोई इंग्लिश नहीं, कोई इतनी पढ़ाई नहीं, फिर भी ऐसा कैसा, डेडिकेशन टू द वर्क, डेडिकेशन टू द वर्क, दे डोंट गिव एक्सक्यूज। मैं मुंबई से हूं, बोर्न एंड रेज इन मुंबई, मुंबई में मैं स्कूल में था तब मेरे को याद है मुंबई में बारिश बहुत होता है, पानी भर जाता है, मैंने डब्बा वाला को देखा था साइकिल पे, ऐसा कुछ 10-12 डब्बा होगा साइकिल पे, वो पानी के फ्लडेड स्ट्रीट में वो जाता था, कभी डब्बा वाला ने बोला है को मालूम नहीं कितना बारिश था, कभी नहीं बोला, कोई एक्सक्यूज नहीं, 3.4 mistakes in 10 lakhs, दैट इज व्हाट इज पॉसिबल बाय डब्बा वाला, हम क्यों नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, ये हमारे अंदर से एक भावना होनी चाहिए कि ये मेरा काम है। एक्चुअली मैं इन डब्बा वाला को हमने एक एसएपी कॉन्फ्रेंस में बुलाया था, एसएपी इज वन ऑफ द लीडिंग ईआरपी इन द वर्ल्ड, देयर आर सम 1000 पीपल, डब्बा वाला को बोला प्रेजेंटेशन दो, तो फिर प्रश्न पूछने को बोला, तो मैंने पूछा प्रश्न, मैं डब्बा वाला को पूछा भैया ये सब बराबर है ठीक है लेकिन तुम बीमार हो गए तो क्या, डब्बा तो नहीं जाएगा ना, नहीं हम दूसरे डब्बा वालों को बोल देते हैं, थ्री बैकअप्स, कभी ऐसा होना नहीं कि डब्बा वाला नहीं आला, तो आजारी असेल तर दूसरा डब्बा वाला बरोबर त्या वेळा त्या एड्रेस मध्ये ते जाणार डब्बा घेणार आणि तिकडे पोहोचता करणार, आणि परत रिवर्स ऑल्सो they will collect again 6 times it will distribute aur barabar wo virar mein udhar wo jaake dabba deliver kar dega no mistake iska dabba usko pahunch gaya kabhi nahi hua hai kabhi nahi hua hai 100 saal mein ye humko thoda sikhna chahiye there are people who are doing phd on dabba wala phd kar rahe hain ki bhaiya ye kya kar rahe ho mere ko batao aapka codification system kya hai टिफिन पे आपने देखा होगा तो ऐसा ग्रीन कलर येलो कलर कुछ कोड रहता है पॉसिबल है मैं क्या इतना ही कहना चाहता हूं कि पॉसिबल है अगर हम चाहे तो ये इतना परफेक्शन ला सकते हैं वो भी हमारे जैसे आदमी है हमारे महाराष्ट्र के ही इंडिया के ही नहीं तो लोग बोलते हैं जापानीज पीपल हो तो ग्रेट है अरे क्या हम सरके जाए तो नहीं करू सकत हे तुम्ही आता एक आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक युअर पॉइंट काउंट युअर ओन मिस्टेक यू डोंट हैव टू टेल एनीबडी तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही मिस्टेक केली काउंट करा आणि बघा कुठे इम्प्रूव्हमेंट होऊ शकते कुठे आपल्याला चांगलं करू शकते अँड आय एम श्युअर यू विल युअर सेल्फ फाइंड सोल्युशन बट इट इज पॉसिबल इफ यू वॉन्ट टू मेक दॅट एज अ गोल You must list down your priorities.
सुबह को जब हम उठते हैं एक टास्क लिस्ट होता है सामने, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन पहला प्रायोरिटी कौन सा करना है वो हमारे को क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि लेस प्रायोरिटी काम हो गया और पहला प्रायोरिटी काम नहीं हुआ, है ना। तो ये अगर हमारा एक मेथड हो जाए, एक प्रोसीजर बन जाए कि भाई ये मेरा टास्क लिस्ट है, ये प्रायोरिटी है, ये हिसाब से मैं करूंगा, बात खत्म। होगा ही, कभी भी कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैंने बोला था आपने नहीं किया। फ्रेंड्स, इज माय फेवरेट सेंटेंस, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। प्लीज कीप अ डेटेड डायरी, नॉट अ नोटबुक और नोटपैड, डेट कैलेंडर। नेक्स्ट मंथ क्या करने वाले हो, नेक्स्ट वीक क्या करने वाले हो, ये हमारा सामने पूरा रोड मैप होना ही चाहिए। शेयर योर प्लान, ये मेरा प्लान है, मैं ये डेट को ये करने वाला हूं। जो भी रिलेटेड संबंधित लोग हैं उसको आप शेयर करो, उसको बता दो मैं मेरा प्लान किया है, तुम तुम्हारा प्लान किया है, मैच नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। Why can't we share the plan? It is possible. Review and revise. इसलिए मैंने शुरुआत किया ड्रीम से, गोल। जो भी गोल अपने सेट किए थे, टाइम बाउंड, डेट बाउंड, और हम फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो यहां से मेरे को पुणे से मुंबई जाना है तो लोनावाला में वड़ा पाव खाऊंगा 10 मिनट, लोनावाला में 4 घंटा रुक गए तो ठीक है क्या? नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य वड़ा पाव खाने का नहीं था, हमारा लक्ष्य था मुंबई जाने का। ये हमको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। माइलस्टोन, गोल सेटिंग में माइलस्टोन बहुत जरूरी है। अब कहां तक पहुंचे मैं लोनावाला, हाँ हाफवे, 50% हो गया मेरा। रोड मैप सामने है, माइलस्टोन सामने है, तो प्रॉपर लक्ष्य को पहुंच पाएंगे, है ना। फ्रेंड्स, वंस अगेन प्लीज आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछिए, मेरे को अच्छा लगेगा। हम सेल करना चाहते हैं, लेकिन यहां लिखा है यू कैन सेल टू मेन ओनली, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? निजा मैडम, she must be wondering, क्या जरे ही बोल रहा है, you can sell to men only, मतलब क्या यार? You can sell to women also. Listen friends, what I mean is, money, authority, and need. अगर हम कुछ सेल करना चाहते हैं, अगर कस्टमर के पास गए, तो ये पहले आप मन में जांच कर लो, ये मेन है कि नहीं, मतलब मनी, अथॉरिटी, नीड। अगर उसके पास पैसा नहीं है, आप कितना भी अच्छा करो काम नहीं बनने वाला। क्या वो ही आदमी है जो डिसाइड करने वाला है? कभी कभी ऐसा होता है, लाइब्रेरियन के पास गए या कॉलेज में कहीं इंस्टीट्यूट में, जिसके साथ में 2 घंटा में हो रहेगा, मैं साहब को बोल के बोला, अरे यार तो फिर मैं साहब को ही मिलता था ना, यहाँ 2 घंटा आपके पास क्यों? इज दैट पर्सन ऑथराइज्ड टू गिव यू द ऑर्डर? ठीक है, उसको मिलना जरूरी है, उसको मिलने के, लेकिन ये हमारा मन में अभी पता है कि ही इज नॉट अथॉरिटी, आई हैव टू स्टिल मीट समबडी एल्स, ये अपने को पता हो जाएगा, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन इज बैड, डिमोटिवेट हो जाएगा, अरे यार क्या इतना सब मेरे को ऑर्डर नहीं मिला, अभी बोलता है उसको सबको मिलो, वो तो है नहीं, ये ऐसा क्यों? पहले हमको पता है मनी, अथॉरिटी एंड नीड, अगर ये 3 है तो जरूर ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि हमने हमारे पास में सबसे बेस्ट ऑथर है, सबसे बेस्ट किताबें हैं, तो क्यों ना मिले। लेकिन हमारा जो तरीका है वो हमको सिस्टमेटिक करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब विमेन को भी बेच सकते हैं।
फ्रेंड्स ट्राई इनोवेटिव आइडियाज. जरूरी नहीं है 50 साल से जो कर रहे हैं वैसा ही करें. ये हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए. फोर्ड मोटर कंपनी हेनरी फोर्ड ने उसके कस्टमर को कभी नहीं पूछा कि आप कैसे व्हीकल चाहते हो. क्यों? क्योंकि कस्टमर कभी बुढ़ा गाड़ी चलाता था तो उसके मन में तो कार कुछ समझ में नहीं आएगा, वो क्या बोलेगा. इसलिए हेनरी फोर्ड ने इनोवेटिव आइडिया लगाया और कार बनाई. ये जरूरी है आज. कुछ भी चीज हो, कोई भी काम करना हो, ट्राई समथिंग न्यू, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज टुडे रिक्वायर्ड टू कीप यू अहेड. टुडे कॉम्पिटिशन इज देयर फ्रेंड्स, वेदर यू एंड आई लाइक इट और नॉट. कॉम्पिटिशन सब जगह में है, दुनिया भर में है. और आपको पता है चाइनीज कॉम्पिटिशन क्या कर रही है आज. लेकिन हम भी उसके सामने बैठ के हम क्यों ना चाइना में बेचे, ये सोचो ना. भारत फोर्ज ने करके दिखाया, बाबा कल्याण ये सेलिंग इन चाइना, इट इज पॉसिबल. सो वाइडन योर होराइजन. हम ये पूरा ऐसे ही सोचे, बड़ा सोचे, इनोवेटिव आइडियाज लेके सोचे, चिल्ला चालू जो चल रहा है चलने दो, क्या करना है, ऐसा नहीं. दिस कंपनी इज मेकिंग बेडशीट. अभी बेडशीट तो बहुत कंपनी बनाती है. इसने इनोवेटिव आइडिया क्या बोला, बेडशीट में एक फुटपट्टी डाल दी, मेजरमेंट कितनी दूरी है अभी पता चलेगा. आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में ट्रे लेके जाता है तो ट्रे में नॉच कर दिया ताकि वो गिरे नहीं. सिंपल आइडियाज कीप्स यू अहेड ऑफ कंपटीशन. चाय के साथ बिस्कुट हम देते हैं और फिर बसी क्यों लगने का, सोसर इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर कप में ही ऐसा हम दो बिस्किट का जगह कर दे. Innovative ideas. I'm just giving you a couple of examples. I'm sure you must have come across more. आपको और जगह में देखने को मिलेगा और सोचने को मिलेगा कि क्या कर सकते हैं. I congratulate. We have tried e-books now. New thing. जरूरी नहीं है कि प्रिंट करके ही हम बेचे. ये भी एक और तरीका. CDs. There are so many ways. Matter तो वही है. लेकिन ये हमको आगे ऐसा ही सोचना चाहिए. फ्रेंड्स वी आर इन अ ग्लोबल विलेज. गांव में ऐसा होता था सब हमको वो ट्री के पास मिलते थे, तुम क्या हम क्या. आज किसी को टाइम नहीं है, सब बिजी है. ग्लोबल विलेज माने पूरी दुनिया एक गांव हो गई है. कैसे? इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि हम सब वापस करीब आ गए. आई हैव टू डॉटर्स. वन डॉटर इज इन अमेरिका, सेकंड डॉटर इज इन जर्मनी. लेकिन हम रोज बात करते हैं, रोज स्काइप में या तो आईफोन में, हमारा व्हाट्सएप में बात होती रहती है. मम्मी को पूछती है क्या खाना बनाया, क्या पिया, यूजुअल. लेकिन पॉइंट इज, क्या हम इंटरनेट जानते हैं, क्या हम ये यूज कर सकते हैं, क्यों ना हम सीख ले. आज ब्लॉक कार्ड लेके कोई जाता है मुंबई? एक जमाने में जाते थे हम लोग, लेकिन आज तो एक्सेस हाईवे पे अलाउड भी नहीं है. वी हैव टू लर्न नया तरीका, नया जो भी है तकनीक, ये हमको सीख लेनी पड़ेगी, नहीं तो पीछे रह जाएंगे. आज चॉइस ही कहां पर है, मेरे को बताओ ना. डू यू हैव चॉइस? वी डोंट हैव चॉइस. मैं थोड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताना चाहूंगा जो मेरा स्पेशलाइजेशन है.
खास तौर पे फेसबुक के बारे में मैं बताना चाहूंगा। हमारा निराली बुक्स का एक फेसबुक पेज हमने बनाया है और कुछ गाइडलाइंस देना चाहूंगा स्पेशली फेसबुक के बारे में। फेसबुक में हम क्या नहीं करना चाहिए वो भी हम समझ ले। फेसबुक बहुत अच्छी चीज है, ये टेक्नोलॉजी है। सी एटॉमिक एनर्जी इज अ टेक्नोलॉजी। आप बम भी बना सकते हो या आप इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हो, आप डिसाइड करो। मैनकाइंड हैज टू डिसाइड हाउ यू वांट टू यूज द टेक्नोलॉजी। तो मैं कुछ आपको फेसबुक के बारे में भी गाइडलाइन देना चाहता हूं। निर्जा मैडम अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया। और जानना है कुछ डिस्कस करना है तो हमको अच्छे तरीके से समझ में आया ना, इसलिए तो कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कुछ डिस्कस हो जाए तो अच्छा है। जरूरी नहीं है कि आप मेरे विचार से सम्मत हो सकता है आपने अलग से सोचा हो या उसके आगे भी सोचा हो। आई वॉन्ट टू लर्न। आप मेरे को बताओ आपने अगर ये किया है कैसे किया है, क्या किया है, आप शेयर कर दीजिए ताकि अदर कलीग्स के लो प्रश्न। I don't like chocolates. मेरे को चॉकलेट पसंद ही नहीं है। You said that you should plan. जी. This topic. जी. One of I feel my weaknesses. Though I plan when I start, वो एक होता है कि records maintain करो, अपना plan करो, कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ हो जाता है। वो शुरू में you know that initiative, everything you do, and then suddenly wo, okay. it just collapses. Yes. That momentum, you lose that momentum. Yeah. How do you keep it up? आप कैसे उसको maintain करें? I am glad. No, I am glad you asked this question, Nisha. See, today we need to have some inner strength and inner guidance. ये होता है, मुश्किल आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, रिवर्सेस कम इन एवरीबॉडीज लाइफ। जरा कुछ इनिशिएटिव शुरुआत में उत्साह होता है, हाँ हाँ सब करेंगे, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम आया, अच्छा जाने दो यार, तो गोल तो एक बाजू में रह गया। फिर ये बोल रहे हो ना, इसलिए पहले हमको गोल को स्ट्रोंग बनाना है। एंड दैट इज व्हाई ड्रीम, ये मैं करना चाहता हूं। ये अगर हमारा ड्रीम है और सबकॉन्शियस माइंड का ड्राइविंग है, सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव्स यू, अंदर से एड्रेनालिन का जो स्राव होता है, आई डोंट नो टू गो इनटू टू मच टेक्निकल बट इट इज वेरी वेरी साइंटिफिकली प्रूवन, व्हेन द एड्रेनाल सेक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स कम द पर्सन विल डू इट। वो अंदर से शक्ति आती है और वो कोलैप्स नहीं होता, सॉल्यूशन मिल जाता है। वो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा अगर आपने ड्रीम ही नहीं किया, आपने गोल ही नहीं सेट किया। राइट डाउन गोल ऑन अ पीस ऑफ पेपर, कीप इट इन फ्रंट ऑफ योर डेस्क, रोज सुबह को पढ़ो बड़ा अक्षर से, ये मैं चाहता हूं, सब प्रॉब्लम गोल हो जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बट ये प्रोसीजर करनी पड़ेगी, गोल सेटिंग करना पड़ेगा। ये नहीं कि शुरुआत में उत्साह में हाँ हाँ आपने बहुत अच्छा बोला, अभी मैं कल से करूंगा, फिर तीसरे दिन गए। क्यों? क्योंकि हमारा कमिटमेंट ही नहीं था। और कमिटमेंट करने के लिए आप बंद करके आप 5 मिनट बैठो ना, शांति से विचार करो ना कि ये मैं पाना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे को यहां ये अचीव करना, ये मुकाम पे पहुंचना है। इसलिए मैंने जो उदाहरण दिया वड़ा पाव खाने बैठ गए 4 घंटा, अरे ये मुंबई जा रहा था, आप वहां कहां बैठ गए? क्योंकि गोल ही नहीं था। डिस्ट्रेक्शन इतने आते हैं लाइफ में, डिस्ट्रेक्शन, यू अंडरस्टैंड डिस्ट्रेक्शन माने संकट, विचलित होना। सर थैंक यू,
विचलित, मन ऐसा डिस्ट्रैक्ट विचलित हो जाता है, और फिर वहां फिर वो क्या कहां निकले थे, कहां जाने का था, कैसे जाना था, कब तक पहुंचना था, टाइम कुछ, क्योंकि डायरी नहीं है, प्लान नहीं है, यू टू कमिट योरसेल्फ, इट इज पॉसिबल. सर सर कमिट व्हेन यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई फाइंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज माइनिंग. हम That is the most important thing. My goal is the organization's goal also. An organization goal should be my goal. Thank you, sir. Plus, mine, yeah, koi project hai, to my, I am just one spoke of that project. The whole project is done the, by all. Thank you. The best example for teamwork, what sir is talking about is teamwork, is dabawala. एक भी डब्बा वाला ऐसा नहीं सोचता है ये मेरा कस्टमर ये मेरे को करना है. उसको पूछा गया आप कैसे करते हो, कस्टमर मेरा भगवान है, भगवान को मैं कैसे भिखा रख सकता हूं. सिंपल लॉजिक ड्राइव्स डब्बा वाला एंड दे डोंट मेक मिस्टेक, दे डोंट मेक मिस्टेक, दैट इज द काइंड ऑफ टीम वर्क. 100% इट वर्क्स. लेकिन टीम वर्क नहीं है ये मेरा, मैंने मेरा कर दिया, तू तेरा जान, तू ये नहीं. Then we will not be able to achieve the organization. We are part of the organization. Organization और मैं अलग नहीं हूं, ये बात अपने को समझनी. ये हमारा organization का goal है, हम यहाँ क्यों मिलते हैं, ये discuss करने के लिए, क्या करना चाहते हैं, क्या किया है, review करो, next year क्या करने वाले हैं, हमारे problems हैं, let us discuss, solve it, इसलिए तो मिलते हैं. तो एक एक निराली प्रकाशन का फैमिली हो गया ना कुटुंब. देन लेट अस एक्ट लाइक दैट एंड थिंक लाइक दैट. सोचना भी वैसे. सर आपने डब्बे वाले का जो बोला है, जी जी, वन ऑफ द फेमस इंसिडेंट्स ऑफ डब्बा वाला इज टू दिस. मैं फेमस इंसिडेंट्स नहीं है, लेकिन ये है कि पहले अभी फोन से ये अभी मोबाइल से गए, उस जमाने में फोन नहीं थे बॉम्बे में डब्बे वाले के बीवी जो डब्बा भेजती थी हर एक, जब डब्बा आता था वो चिट्ठी डाक की, आज शाम को 5:30 बजे मैं दादर से आने वाली हूँ, और वो चिट्ठी बराबर वो डब्बा वही आदमी को दे दिया जाता था. मोस्ट मोर रिलायबल देन एनी अदर कम्युनिकेशन, इतना डब्बा वाला के पास में स्ट्रेंथ है. आते समय थैंक यू फॉर शेयरिंग सर, वेरी नाइस. आते समय ये लेके आना है आज आपको, राइट. यहाँ पर आप देखिए कुछ पक्षी है, एक पक्षी दूसरी तरफ देख रहा है, आप नोट किया क्या, न्यूज़पेपर ट्रेडिशनल वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर इज वन एग्जांपल, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट आपको पता है, होर्डिंग रास्ते पे बड़े बड़े होर्डिंग होते हैं, दीज आर ट्रेडिशनल पोस्टर्स. बट द न्यू वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज इंटरनेट. हमको अलग से हटके सोचना है, उसका नजरिया अलग है, ये अपने को समझना है. ट्विटर एक टेक्नोलॉजी है, एक वेबसाइट है, आप लिख लीजिए twitter.com 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 वेबसाइट. ये आज कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है ट्विटर. हम एसएमएस करते हैं मोबाइल में, आपको सबको पता है, अगर मैं एसएमएस करना चाहूं जिग्नेश को, उसका मोबाइल नंबर मेरे पास होगा तो ही कर सकता हूं, है ना. सिमिलरली इन ट्विटर देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉलोअर, जो आपके फॉलोअर है उसको मैसेज जाएगा. अमिताभ बच्चन ट्विटर वापरता है, 10 लाख फॉलोअर है. अमिताभ बच्चन एक ट्वीट करेगा, 10 लाख लोगों को इतना हो जाएगी. twitter.com इज नथिंग बट SMS ऑन इंटरनेट. एक वाक्य में अगर आपको समझाना है ट्विटर क्या है, इंटरनेट के ऊपर SMS करना, क्योंकि दुनिया में कहीं भी इंटरनेट होता है, व्यक्ति कहीं भी हो उसको मैसेज पहुंच जाएगा. और दूसरा हमको यहां ध्यान रखना है,
140 अक्षर, ट्विटर में लंबा बड़ा कहानी नहीं लिख सकता, 140 कैरेक्टर्स का आप शॉर्ट मैसेज डाल दीजिए, वो मैसेज वहां पर पहुंच जाएगा फॉलोअर के पास, और ये फ्री है, फ्री। व्हाट्सएप भी वैसा ही है, व्हाट्सएप भी वैसा ही है, लेकिन ट्विटर में और बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल, ट्विटर में हम यूआरएल दे सकते हैं, इंटरनेट वेबसाइट एड्रेस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इंटरनेट का, अगर मैं कोई वेबसाइट देखूं, ये बहुत अच्छा वेबसाइट है, वो वेबसाइट मैं ट्वीट कर सकता हूं। आप देखिए, ऑल रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, सकार, हिंदुस्तान टाइम्स, सब न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, ई पेपर इंटरनेट पे जो है वहां ट्विटर का निशान रहता है। मतलब आप ट्वीट करोगे तो वो वेबसाइट का, वो पन्ना का जो वेबसाइट एड्रेस है, वो ट्वीट में ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसलिए ट्विटर आज करोड़ों लोग वापरते हैं दुनिया में, फ्री है, हम क्यों ना वापरे। प्लीज try to understand and learn this technology. Some of you came here and said you want to learn new things, you like to learn new things, you said. So, ye ek main aapko homework dena chahta hoon. Twitter.com mein aap dekhiye. All you require is email ID, nothing else. Fakt email hona chahiye aur kuch nahi hai, free hai. Twitter ID ko handle bolte hain. Jaise hamara email ID hota hai na, वैसे ट्विटर का हैंडल होता है। ये मेरा हैंडल है @digitaltweets, ट्विटर हैंडल स्टार्ट्स विद @ साइन, ठीक है। अच्छा सॉन्ग मिला मेरे को,
friends. Please note down facebook.com/niralibooks. This is our Facebook page. आप प्रश्न नहीं पूछते, मैं पूछता हूँ. आप में से कौन कौन फेसबुक वहां पढ़ता है, प्लीज रेज योर हैंड. वेरी गुड, थैंक यू. facebook.com वेबसाइट है, वहां पर आप जाइए और फेसबुक का सर्च इंजिन में सर्च निराली बुक्स और वहां पर आप लाइक को क्लिक कर दीजिए. लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए. यहां लाइक बटन आएगा और काउंट मिलता है कितने लोगों ने लाइक किया है. ठीक है, facebook.com में अगर आप फेसबुक ऑलरेडी यूज करते हैं तो आप ये इतना जरूर कीजिए. आई वॉज एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन, ऐसा क्यों करें? मैंने तो बोला आप लाइक करो, आपने हाँ बोला, लेकिन आपने पूछा नहीं ऐसा क्यों करें, इससे क्या होगा? किताबों के बारे में जानकारी मिलेगी, ये बुक के बारे में जानकारी मिलेगी. करेक्ट. और एक मिनट, एटलीस्ट एक चले मेरे को प्लीज गिव अ मीडियम. कितने व्यूअर्स है मालूम पड़ेंगे? कितने व्यूअर्स है मालूम पड़ेंगे? और देखिए ये एक रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सरसाइज है. दैट्स व्हाई आई मेंशन ग्लोबल विलेज. विलेज में सबको शाम को पेड़ के नीचे मिलने का समय मिलता था, आज नहीं मिलता है. तो हम एक दूसरे के रिलेशनशिप कैसे रखें? फेसबुक इज अ वेबसाइट. जैसे हमारी वेबसाइट है प्रगति, कौन सी वेबसाइट है? जो वेबसाइट है वो वेबसाइट का काम क्या है कि सबको इतला करे कि भाई ये नया टाइटल आया है, ये ऑथर है, ये बुक्स है, ये प्राइस है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ. फेसबुक पेज इज ऑल्सो वेबसाइट. प्लीज मेक अ नोट, फेसबुक पेज इज ऑल्सो अ वेबसाइट. लेकिन ये वेबसाइट जो है ये नई टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई है, वेब 2.0. मैं टेक्निक में ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जहां हम इंटरेक्शन कर सकते हैं. नॉर्मली वेबसाइट में आप आके देख सकते हो, आप वहां लिख नहीं सकते क्योंकि आपके पास पासवर्ड नहीं है. लेकिन फेसबुक पेज ऐसी वेबसाइट है जहां हम लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्ट. जब आप फेसबुक में लिखते हो उसको पोस्ट बोलते हैं, पोस्ट. तो इंटरेक्टिव वेबसाइट हो गई. हमारे कस्टमर, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे ऑथर ये पोस्ट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं. तो हमारा रिलेशनशिप बढ़ाने का जो मकसद है वो अच्छी तरह से फेसबुक द्वारा हो सकता है. इसलिए फेसबुक पेज जरूरी है. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं आप फेसबुक पेज लाइक करो. आप लाइक करोगे ना, आप फेसबुक पे हो, जब आप फेसबुक पे जाते हो तो ईमेल आईडी तो लगता ही है, तो आपको इतला हो जाएगी. अगर कुछ भी नया न्यूज है, समझो निर्जा मैडम ने कुछ एक पोस्ट डाला, नया टाइटल आया, नया जो भी हो, नया सिलेबस है या जो भी, तो अगर आपने लाइक किया है तो आपको वो इतला हो जाएगी, आपको इंटीमेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा. दुनिया में फॉर्चून 500 कंपनीज, जो 500 सबसे बड़ी कंपनी है, वो सब फेसबुक पेज वापरते हैं. क्यों ना हम वापरें? Why we cannot use? It's a level playing field. इसमें कोई ऐसा नहीं, ये बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी, हर कंपनी वापर सकती है. This technology is available to us in India also. लेकिन ये थोड़ा सीख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, है ना? होमवर्क, प्लीज गो टू निराली बुक्स एंड क्लिक ऑन द लाइक बटन. करोगे आप? निर्जा मैडम हाँ तो सुनाई नहीं दिया, मेरे बाप को सुनाई दिया. आप करोगे? यस.
हाँ बोलो ना यार दूसरा होमवर्क है शेयर एंड पोस्ट न्यूज व्यूज यू कैन शेयर वेबसाइट्स आपको कुछ फीडबैक देना है कुछ अच्छा बताना है तो आप निराली बुक्स के पेज में पोस्ट कर सकते हो हाँ जी कमेंट्स भी डाल सकते हो अगर किसी ने पोस्ट किया है तो वहां पर आपका सुझाव आपका उसके बारे में फीडबैक या जो भी है आप लिख सकते हो ठीक है तो मैं चाहता हूं कि हम इंटरेक्शन बढ़ाए ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं हमारे कस्टमर से हमारे स्टूडेंट से हमारे ऑथर से लेकिन ये आज जरूरी है ये आज जरूरी 100 करोड़ पीपल आर यूजिंग फेसबुक उसमें से 6 करोड़ पीपल भारत में फेसबुक वापर रहे हैं फेसबुक पेज के द्वारा हम 6 करोड़ पीपल को भारत में पहुंच सकते ऐसी व्यवस्था है वहां पर ऐसी टेक्नोलॉजी है सो प्लीज लाइक इट सेकंड प्लीज पोस्ट कमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट शेयर जब पोस्ट आता है ना तो राइट में एक छोटा शेयर बटन आता है शेयर इससे तैयारी वो क्लिक करने का और आपके वॉल पे आपके टाइमलाइन पे शेयर करने का समझो आपके 100 फ्रेंड है आपके 100 फ्रेंड जब आप शेयर करोगे तो वो 100 फ्रेंड को उसकी इत्तला हो जाती है दिस इज कॉल्ड वायरल मार्केटिंग ताकि लोगों को ये मैसेज इजीली आसानी से पहुंच सके शेयर करना मत भूलना किसका फोटो है आज शाहरुख खान कार चलाता है और ये बोलता है कार बहुत अच्छी है हमको सबको पता है 1 करोड़ रुपीज इज गिवन टू शाहरुख खान दे आर कॉल्ड ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर मतलब कोई सेलिब्रिटी हो कोई क्रिकेट चैंपियन हो मैं ये